हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको पूरी ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडीज को कवर करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में आज हम अपने सिलेबस का 7th चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्टिंग। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम 6 चैप्टर्स पूरा कवर कर चुके हैं जिसको हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 7th चैप्टर है और टॉपिक का नाम है मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं डायरेक्टिंग का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें डायरेक्टिंग का मतलब पता होना चाहिए कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या है। अभी तक हम मैनेजमेंट के 3 फंक्शंस कर चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हमने लास्ट में करा कि हमने अच्छे कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन में ले आए हैं, हमने प्रॉपर ढंग से सिलेक्शन वगैरह कर ली है। अब जब अच्छे कैंडिडेट्स आ जाएंगे तो हमें एंश्योर करना है कि हम उनसे काम करवाएं। तो डायरेक्टिंग के अंदर बेसिकली डायरेक्टिंग मींस गिविंग डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का मतलब है उनको ऑर्डर्स देना, इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडेंस देना, उनकी काउंसलिंग करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना एटसेट्रा, ताकि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर सकें। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स नहीं देंगे, इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, उनको गाइड नहीं करेंगे, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको लीड नहीं करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक सबऑर्डिनेट्स अपना काम शुरू नहीं करेंगे। तो डायरेक्टिंग बेसिकली मींस गिविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट्स, गाइडिंग देम, मोटिवेटिंग देम, कम्युनिकेटिंग देम, सो दैट दे स्टार्ट डूइंग द वर्क। तो बेसिकली जो काम होना शुरू होगा वो जब वर्कर्स को डायरेक्शंस मिलेंगी, जब सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शंस मिलेंगी, तब वो अपना काम करना शुरू करेंगे। तो बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स आएंगे। एक आएगा सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है राउंड लगा के चेक करते रहना कि सबऑर्डिनेट्स अपना काम करते हैं या नहीं। सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव, विजन का मतलब होता है सीइंग, देखना। तो ऊपर से राउंड लगा के चेक करते रहना कि वर्कर्स अपना काम ढंग से कर रहे हैं नहीं, वो भी डायरेक्टिंग का पार्ट है। एक होता है मोटिवेशन, एक है लीडरशिप और एक है कम्युनिकेशन। तो बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं। सुपरविजन अब हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं है, आपको खाली मीनिंग पता होना चाहिए। दैट इज ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनको बस ऊपर से राउंड लगा के चेक करते रहना, दैट इज सुपरविजन। मोटिवेशन को, लीडरशिप को और कम्युनिकेशन को हम आने वाले टॉपिक्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्टिंग का मतलब आपको बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उनको गाइड कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, उनको सुपरवाइज कर रहा है, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ताकि सबऑर्डिनेट्स अपना काम करना शुरू करें। बिना डायरेक्टिंग के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होना शुरू नहीं होगा। तो डायरेक्टिंग के अगर मैं फीचर्स की बात करता हूं तो डायरेक्टिंग का पहला फीचर भी यही है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट का मतलब स्टार्ट्स द एक्शन, एक्शन मतलब वर्क। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होना शुरू होता है वो डायरेक्टिंग फंक्शन से ही होना शुरू होता है। जब वर्कर्स को ऑर्डर्स मिलेंगी, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, तभी वर्कर्स अपना काम करना शुरू करेंगे। प्लानिंग में आप खाली तैयारियां कर रहे थे, काम होना शुरू नहीं हुआ था। ऑर्गेनाइजिंग में भी काम होना शुरू नहीं हुआ था। स्टाफिंग में भी काम होना शुरू नहीं हुआ था। देवर जस्ट प्रिपरेटरी फंक्शन, अभी तक हम खाली प्रिपरेशन कर रहे थे, काम होना शुरू नहीं हुआ था। The work will start in the organization after the directions have been given to the subordinates. जब subordinates को हमने orders देंगे, जब उनको instructions देंगे, उनको बताएंगे क्या काम करना है, तब वो काम करना शुरू करेंगे। तो we can say that action starts in the organization, work starts in the organizations once the subordinates they start getting directions from the superior. तो it starts or it initiates the actions in the organization. Then it takes place at every level of management. हम कह सकते हैं जो directing function है वो pervasive है।
परवेसिव का मतलब है सभी लेवल्स पे मैनेजमेंट के डायरेक्टिंग का काम होता है, सभी डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टिंग का काम होता है। बेसिकली जहां पर भी एक सुपीरियर सबोर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी वहां डायरेक्टिंग का काम होगा। एक सुपीरियर का काम है अपने सबोर्डिनेट को डायरेक्शंस देना, तो टॉप लेवल वाले मिडल लेवल को डायरेक्शंस देंगे, मिडल लेवल वाले ऑपरेशनल लेवल वालों को डायरेक्शंस देंगे, ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स को डायरेक्शन देंगे। तो डायरेक्टिंग का काम ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे होता है। जहां भी सुपीरियर सबोर्डिनेट रिलेशनशिप होगा, सुपीरियर हमेशा अपने सबोर्डिनेट्स को डायरेक्शंस देगा, उनको गाइड करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो इट टेक्स प्लेस एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। तो डायरेक्टिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक सुपीरियर कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर अपने सबोर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देगा, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर उनको मोटिवेट करेगा, उनको गाइड करेगा। एक बार इन इंस्ट्रक्शंस देने के बाद सुपीरियर यह भी देखेगा कि वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, वो काम ढंग से कर भी पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार ऑर्डर्स देने के बाद सुपीरियर खाली बैठ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस देगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस देगा, ऑर्डर्स देगा, गाइड करेगा। तो द वर्क ऑफ डायरेक्शंस गोज ऑन कॉन्टिन्यूअसली टिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, एक सुपीरियर हमेशा अपने सबोर्डिनेट्स को डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स देता रहेगा। तो यह भी कभी भी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। देन इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो डायरेक्शंस दी जाती है, हमेशा एक सुपीरियर जो है वो अपने सबोर्डिनेट को डायरेक्शंस दे रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सबोर्डिनेट सुपीरियर को डायरेक्शंस देगा। जो मोटिवेट करने का काम है, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो डायरेक्शंस दे रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, तो एक सुपीरियर ऑलवेज डायरेक्ट्स द सबोर्डिनेट्स। तो हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करती हैं डायरेक्शंस, नीचे से ऊपर फ्लो नहीं करती है। एक इंडिविजुअल हमेशा अपने सुपीरियर से डायरेक्शंस लेगा और वो डायरेक्शंस हमेशा अपने सबोर्डिनेट्स को पास ऑन कर देगा। तो इट ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड मींस डायरेक्शंस हमेशा जो है वो एक सुपीरियर से ओरिजिनेट होती हैं और नीचे हायरार्की में लोअर लेवल तक फ्लो करती हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है डेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो बेसिकली ये चार डायरेक्टिंग के फीचर्स हैं। अब अपने पेपर में अगर ये आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए हम इसको एनसीईआरटी के सिंप्लीफाइड नोट्स में से कवर करते हैं। तो डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहले डायरेक्टिंग का जो मीनिंग है, मैंने आपको बताया, इन द ऑर्डिनरी सेंस डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग द वर्क। जो भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम उनको गाइड कर रहे हैं कि काम कैसे करना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। जब हम मैनेजमेंट में अगर डायरेक्टिंग को डिफाइन करें तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली मैंने बताया मेन अगर हम बात करें तो चार एलिमेंट्स डायरेक्टिंग के आएंगे, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ताकि इंडिविजुअल्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो अपना काम अच्छे से करें। अर्नेस्ट डेल की डेफिनेशन आप बेशक से रहने देना। देन फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। मैंने आपको बताया डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन, ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होना शुरू होगा वो डायरेक्टिंग के बाद से ही होना शुरू होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग आर जस्ट प्रिपरेटरी फंक्शन। जब आप प्लानिंग कर रहे थे या ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे या स्टाफिंग कर रहे थे तो आप खाली तैयारियां कर रहे थे, अभी तक ऑर्गेनाइजेशन में काम होना शुरू नहीं हुआ। इट इज द डायरेक्टिंग फंक्शन दैट इनिशिएट्स एक्शन एज एम्प्लॉई स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस फ्रॉम द सुपीरियर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होना शुरू होगा वो डायरेक्टिंग फंक्शन से ही होगा, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉई जब काम करना शुरू करता है जब उसको सुपीरियर से ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। जब तक उसको सुपीरियर डायरेक्शंस नहीं देगा तब तक कोई भी एम्प्लॉई अपना काम करना शुरू नहीं करेगा। देन डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग जो है मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे हो रही है। इट इज अ प्रवेसिव फंक्शन, मैंने बताया प्रवेसिव जो सभी लेवल्स पे सभी डिपार्टमेंट्स में चाहिए। एज इट इज परफॉर्म्ड बाय मैनेजर्स एट ऑल द लेवल्स एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। सभी लेवल्स पे सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर डायरेक्टिंग का काम होता है। एवरी मैनेजर हैज टू सुपरवाइज, गाइड, मोटिवेट एंड कम्युनिकेट द सबोर्डिनेट्स। मैंने चार एलिमेंट्स बताए थे, वो चारों एलिमेंट्स आते हैं। सुपरविजन करना, उनको मोटिवेट करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनको लीड करना, जिससे कि
सबोर्डिनेट्स अपना काम अच्छे से कर सकें। द डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेयर एवर सुपीरियर सबोर्डिनेट रिलेशन, जहां पर भी एक सुपीरियर सबोर्डिनेट रिलेशनशिप आएगी वहां डायरेक्टिंग का काम होगा, क्योंकि सुपीरियर का काम ही है अपने सबोर्डिनेट को डायरेक्शंस देना। देन इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैंने बताया इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। अ मैनेजर कैन नॉट जस्ट रेस्ट आफ्टर इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, ऐसा नहीं है कि एक बार ऑर्डर्स दे दिए, एक बार इंस्ट्रक्शंस दे दिए और मैनेजर उसके बाद रेस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। ही मस्ट कॉन्टिन्यूसली टेक स्टेप्स टू मेक श्योर दैट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर कैरिड आउट प्रॉपरली, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चेक भी करेगा कि ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर ढंग से कैरी आउट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसके दोबारा से नए ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देगा। तो जो डायरेक्टिंग का काम है, जो डायरेक्शंस देने का काम है, वो कॉन्टिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता रहेगा। देन डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डायरेक्शंस जो है हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करती हैं। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप लेवल, जो इंस्ट्रक्शंस ओरिजिनेट होती हैं, जो ऑर्डर्स ओरिजिनेट होते हैं वो टॉप लेवल पे ओरिजिनेट होते हैं, एंड फ्लोज टू द सुपरवाइजरी लेवल थ्रू मैनेजमेंट हायरार्की, और लोअर लेवल तक जाते हैं मैनेजमेंट की चेन से। टॉप लेवल वाले मिडल लेवल वालों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मिडल वाले ऑपरेशनल को, ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स को। एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबोर्डिनेट्स, हर एक मैनेजर अपने सबोर्डिनेट्स को डायरेक्ट करेगा एंड रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज इमीडिएट बॉस, और अपने बॉस से इंस्ट्रक्शंस लेगा। तो जो डायरेक्टिंग की डायरेक्शंस हैं, जो फ्लो करती है डायरेक्शंस, वो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती हैं। एक सुपीरियर हमेशा अपने सबोर्डिनेट को डायरेक्शंस देता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।